हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर्स को। तो देख लेते हैं पहले एक एग्जांपल। जैसे कि आपके सामने ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है। इस एग्जांपल के अंदर ये एक टेट्रोज शुगर का एग्जांपल है। दो आइसोमर्स के नीचे मैंने इरिथ्रोज लिखा है और दो के नीचे थ्रियोज लिखा है। क्यों लिखा है ये मैं आपको बता देती हूँ कि इरिथ्रोज और थ्रियोज जो होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली। तो जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक से अधिक कायरल कार्बन होते हैं, असममित कार्बन होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को दो तरह से, दो भागों में, दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक वो कैटेगरी जिनमें कि ये दोनों जो एंड वाले कार्बन एटम हैं वो सेम नहीं है। जैसे कि यहाँ CHO लगा हुआ है तो यहाँ CH2OH लगा हुआ है। तो एक तो कैटेगरी ये हो गई कि जिनके एंड्स जो होते हैं वो सिमेट्रिक नहीं होते या सिमिलर नहीं होते। और दूसरी कैटेगरी में क्या होता है कि दोनों एंड पर जो है वो सेम चीज़ लगी हुई होती है। जैसे कि टार्ट्रिक एसिड के एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, टार्ट्रिक एसिड में यहाँ भी COH लगा होता है, यहाँ भी COH लगा होता है। तो जब टार्ट्रिक एसिड को देखते हैं तो वहां पे जो समावयवी बनते हैं वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये है टार्ट्रिक एसिड के समावयवी, एक COH ऊपर, एक COH नीचे, बीच में जो कार्बन है उस पर OH और H, OH और H लगा हुआ है। तो ये जो आइसोमर है, यदि मैं इसकी मिरर इमेज भी बनाती हूँ, यदि इसका दर्पण प्रतिबिंब भी बनाती हूँ, तो इन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि टार्ट्रिक एसिड के इस समावयवी के अंदर सममिति का तल उपस्थित होने के कारण, इस पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं और आपके साथ डिस्कस भी कर चुके हैं, ये वाला समावयवी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है ये समावयवी। तो चाहे ये बनाओ चाहे इसकी मिरर इमेज बनाओ, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, और इसको हम एक ही आइसोमर मानते हैं। इसका नाम है मीजो समावयवी। और इनका जो दूसरे दो समावयवी बनते हैं टार्ट्रिक एसिड के, इसमें मीजो में क्या होता है, दोनों OH सेम साइड, दोनों H सेम साइड, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, ऐसा काल्पनिक तल जो मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में बांटता है और ये दो बराबर भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल के इस समावयवी के अंदर जो है सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव समावयवी है। बाकी के दो समावयवियों में आप चाहे यहाँ दर्पण रख दीजिए, ये बराबर बराबर दो भाग नहीं बनेंगे, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेंगे, इसलिए इन दोनों आइसोमर्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं होती है। तो ये दोनों समावयवी कहलाते हैं इनेंशियोमर्स या दर्पण प्रतिबिंब। ये डिस्कशन मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि जब मोर देन वन कायरल सेंटर हो, एक से अधिक कायरल कार्बन किसी यौगिक के अंदर उपस्थित होते हैं, तो दो प्रकार की कैटेगरी हो सकती है। ये पहली कैटेगरी में देख रहे हो आप, दोनों के एंड सेम है, दोनों तरफ मतलब इस कैटेगरी के जो अणु हैं उसमें एंड्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं इनको। और दूसरी कैटेगरी जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो अभी दिखाती हूँ। उससे पहले ये एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बिल्कुल टार्ट्रिक एसिड जैसा ही एग्जाम्पल है, ये भी सिमेट्रिक कंपाउंड है। इसमें भी एक समावयवी में प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है और दो में प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रकाशिक रूप से अक्रिय समावयवी है, ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय समावयवी है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो इनके अंदर इरिथ्रो और थ्रियो समावयवी नहीं बनते हैं, इनके समावयवियों को हम अलग नाम देते हैं। अब आइए दूसरी कैटेगरी देखते हैं। ये जो दूसरी कैटेगरी है वो है एसिमेट्रिक कंपाउंड्स की, यानी कि इनके जो एंड्स हैं वो एसिमेट्रिक हैं। अब इस यौगिक के चार समावयवी बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री
अनुपस्थित है। अगर मैं यहाँ पर मिरर रख दूँ तो मिरर इमेज नहीं बनेगी। ओ एच के सामने ओ एच है, एच के सामने एच है, मगर सी एच ओ के सामने सी एच टू ओ एच है। तो मॉलिक्यूल दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता। इन चारों समावयवियों में से किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं है। तो जब एंड्स डिससिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते हैं एंड्स, तो क्या होता है कि चार समावयवी बनते हैं। चार समावयवी में से चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, चारों के चारों प्रकाशिक रूप से सक्रिय हैं। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, इसलिए ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब समावयवी हुए, और ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, ये भी एक दूसरे के इनेंशियोमर ही हुए। तो यदि इस यौगिक में पूछा जाए कि इनेंशियोमेरिक पेयर्स कौन से हैं, तो हम कहेंगे वन और टू एक पेयर है, थ्री और फोर दूसरा पेयर है। और यदि इसमें विवरिम समावयवी पूछा जाए कि डायस्टीरियोमेरिक पेयर कौन से हैं, तो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो कि ऐसे कंपाउंड्स के किसी कंपाउंड के ऐसे समावयवी जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। यदि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तभी उनको डायस्टीरोमर कहा जाएगा। तो वन की मिरर इमेज थ्री नहीं है, तो वन और थ्री एक दूसरे का डायस्टीरोमेरिक पेयर हो गया। इसी तरह वन और फोर हो गया, इसी तरह टू और थ्री भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसी तरह टू और फोर भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो यहाँ दो इनेंशियोमेरिक पेयर्स बन सकते हैं और चार डायस्टीरोमेरिक पेयर्स बन सकते हैं। अब इनमें से जब आपने ये पेयर्स बना लिए, तो इनमें से दो जो हैं इनेंशियोमर्स, या आप कह सकते हो कि दो जो आइसोमर्स हैं उनमें ओ एच जो है वो सेम साइड है और एच जो है वो दूसरी तरफ है। ऐसे समावयवी जिनमें ये ओ एच है या एन एच टू ग्रुप है, सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड होंगे, उनको कहते हैं इरिथ्रोस। तो ये दोनों इरिथ्रो हैं समावयवी, इरिथ्रोस भी कह सकते हो। और ये दोनों जिनके अंदर ओ एच ऑपोजिट हैं और एच भी ऑपोजिट हैं, इनको कहा जाता है थ्रियोस समावयवी। तो यदि मुझे परिभाषा देनी हो इरिथ्रोस और थ्रियोस की, तो इन ऑल सिस्टम्स ऑफ द टाइप दिस, इस प्रकार के सारे सिस्टम्स जिसमें कि ये दो कार्बन कायरल हैं, ये वाले एक ऊपर आर लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप आर डैश लगा हुआ है, यानी कि दोनों के एंड्स जो हैं वो अलग अलग हैं, उसके अलावा दोनों में कोई दो ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब ये है यहाँ, इसमें मान लीजिए बी और ए कोई दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसमें सी और डी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, दोनों का कम से कम एक ग्रुप तो कॉमन होना ही चाहिए। जैसे कि एक ग्रुप कॉमन है, तो ये जो कॉमन ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप भी कॉमन हो सकते हैं, ये ए ए हो सकता था, ये बी और बी हो सकता था, पर बी और सी भी चलता है। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स में व्हेन टू सेम ग्रुप्स इन प्रोजेक्शन फॉर्मूला आर ऑन द सेम साइड, यानी कि सेम ग्रुप सेम साइड हुए, तो द आइसोमर इज नेम्ड इरिथ्रोज, एंड इफ दीज आर ऑन ऑपोजिट साइड्स द आइसोमर इज कॉल्ड थ्रियोज। सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है तो थ्रियोज, और सेम ग्रुप सेम साइड है तो इरिथ्रोज। ये इरिथ्रोज आपको मीजो आइसोमर जैसा दिख रहा है, मीजो लाइक है, मीजो नहीं है। मीजो होता तो ये भी सेम होते दोनों, और ये भी सेम होते। ये मीजो जैसा है पर मीजो नहीं है। तो ये हुए इरिथ्रोज और थ्रियोज आइसोमर्स। थैंक यू वेरी मच।